देखते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेट। अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग मौसम में पाए जाते हैं। पोलर बियर्स आर फाउंड इन पोलर रीजन, कैमल्स इन हॉट डेजर्ट्स, फिशेज इन ओशियंस एंड एलिफेंट्स इन जंगल्स। पोलर बियर पोलर रीजन में पाए जाते हैं, कैमल्स हॉट डेजर्ट में पाए जाते हैं, फिश ओशियन में पाया जाता है, एलिफेंट जंगल में। दीज एनिमल्स हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट अराउंड देम। ये सब जो जानवर है वो क्लाइमेट और एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लिया। अडेप्ट मतलब जैसे कि उस पर्यावरण को अपने में समा लिया है, क्योंकि पोलर बियर हॉट डेजर्ट में नहीं पाया जाएगा और कैमल्स पोलर रीजन में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि कैमल्स जो है वो अपने आप को हॉट डेजर्ट में रखने के काबिल है। वो अपने आप को उसी हिसाब से अडेप्ट कर चुका है। जैसे फिश जो ओशियन में ही पाया जाएगा, जंगल में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि फिश जो होते हैं वो ओशियन को अडेप्ट कर चुके हैं और एलिफेंट्स जंगल्स को। इसलिए अडेप्टेशन का मतलब होता है कि अपने एनवायरनमेंट, अपने क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेना। दे पजेस सर्टेन फीचर्स विच हेल्प देम टू एंड्योर पर्टिकुलर वेदर कंडीशंस। वो अपने आप में अपने वेदर कंडीशंस के हिसाब से अपने अंदर ऐसा ऐसा फीचर्स ले आते हैं, ऐसा ऐसा प्रोड्यूस करते हैं फीचर जो कि उनको हेल्प करता है उस पर्टिकुलर रीजन या क्लाइमेट में रहने के लिए। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हाउ अडेप्टेशन हेल्प्स द लिविंग बींग्स टू सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि अडेप्टेशन जो लिविंग बींग्स है उन लोगों को सर्वाइव करने में कैसे हेल्प करता है। अडेप्टेशन, वी नो दैट द एनवायरमेंटल कंडीशंस कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू द कंटिन्यूअस चेंजेस इन द एनवायरमेंट। लिविंग थिंग्स हैव टू स्ट्रगल फॉर देयर सर्वाइवल। फॉर दिस दे अडेप्ट देमसेल्व्स टू द चेंजिंग सराउंडिंग्स। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स इन द बॉडी और बिहेवियर इन ऑर्डर टू एडजस्ट टू द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड अडेप्टेशन। द प्लेस वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनवायरमेंटल कंडीशंस हमेशा बदलते रहते हैं, हमेशा गर्मी नहीं रहती, हमेशा ठंडी भी नहीं रहती, हमेशा वो चेंज होते हैं, कभी गर्मी तो कभी ठंडी। तो इसी चेंजेस एनवायरमेंट के वजह से जो लिविंग थिंग्स है, जो लिविंग बीइंग्स जो सरवाइव करते हैं, उन लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जीने के लिए। उसके लिए वो अपने सराउंडिंग से अडाप्ट कर लेते हैं अपने आप को, ताकि वो लोग जिंदा रह सके, सरवाइव कर सके। तो जो वो लोग अपने आप को अडाप्ट करते हैं पूरे सराउंडिंग से, तो जो प्रोसेस होता है वो स्पेशल फीचर को डेवलप करने के लिए, ताकि वो सराउंडिंग को अडाप्ट करके सरवाइव कर सके, उसी को बोलते हैं अडाप्टेशन। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज अडाप्टेशन? तो आंसर क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स इन द बॉडी और बिहेवियर इन ऑर्डर टू एडजस्ट टू द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड अडाप्टेशन। द प्लेस वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना एक प्लेस बना के रहता है, वो लोग जहाँ रहता है उसको उन लोगों का हैबिटेट बोलते हैं। जैसे पोलर बियर का हैबिटेट है पोलर रीजन, कैमल्स का हॉट डेजर्ट, एलिफेंट्स का जंगल्स और फिशेस का ओशियंस। इसी तरह से हर एक प्राणी का अपना अपना हैबिटेट होता है। द एनिमल्स दैट कैन नॉट अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स और हुज अडेप्टेड सराउंडिंग्स आर चेंज बाई फोर्स फाइनली डाई आउट एंड स्लोली बिकम एक्सटिंक्ट। जो एनिमल्स खुद को सराउंडिंग्स के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर जो पहले से अडेप्ट कर चुके हैं, उन लोगों को अगर फोर्स दे के कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, कोई और एनवायरमेंट में डाल दिया जाए, तो वो आखिर में मर जाते हैं और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, मतलब लुप्त हो जाते हैं। जैसे कि पोलर बियर, अगर उसको हॉट डेजर्ट में रख दिया जाए तब वो निश्चित है कि मर जाएगा, वो कभी सरवाइव नहीं कर पाया, क्योंकि वो लोग जो पोलर रीजन है उसको अडाप्ट कर चुके हैं। अब उन लोगों में उतना फीचर्स नहीं डेवलप होता है जिससे वो हॉट डेजर्ट में रह पाए।
इसीलिए अगर किसी को फोर्स के बल पे या फिर अपने जो अडैप्टेटिव फीचर्स को ना प्रोड्यूस होने के चलते अगर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए तो आखिर में वो मर जाते हैं और लुप्त हो जाते हैं। नीड फॉर अडैप्टेशन, अडैप्टेशन का क्या जरूरत है? वी नो दैट एनवायरमेंटल कंडीशंस कीप ऑन चेंजिंग, सो एनिमल्स नीड टू अडैप्ट देमसेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशंस और एल्स दे वुड डाई। देयरफॉर एनिमल्स नीड टू चेंज देयर फीचर्स एंड बिहेवियर टू सर्वाइव। एनिमल्स ऑल्सो नीड टू अडैप्ट इन ऑर्डर टू फाइंड बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, प्लेस टू ब्रीड एंड प्लेस टू हाइड फ्रॉम प्रिडेटर्स। हम लोग जानते हैं कि एनवायरमेंट का कंडीशंस हमेशा बदलते रहता है, तो जो जानवर होते हैं उन लोगों को चेंजिंग कंडीशन, अपने रीजन में ही चेंजिंग कंडीशंस को फेस करना पड़ता है, उसके हिसाब से उन लोगों को अडैप्ट होना पड़ता है। इसीलिए वो लोग जो फीचर्स होते हैं अपने रीजन में जो कंडीशंस हो रहे हैं उसके हिसाब से वो लोग बिहेव करते हैं सर्वाइव करने के लिए। अगर वो लोग अपने रीजन में भी नहीं अडैप्ट कर पाते हैं तो वो लोग आखिर में मर जाते हैं। उन लोगों को खाना, पानी, हवा, रहने का जगह जहाँ पे वो लोग रिप्रोड्यूस कर सके, उन सब के लिए भी एनिमल्स को अडैप्ट करना होता है, और अपने दुश्मनों से बच के रहने के लिए भी अच्छे से एक प्लेस ढूंढना पड़ता है, और उन लोगों को हर चीज़ के लिए अडैप्टेशन करना ज़रूरी है। अगर अडैप्टेशन नहीं हो पाता है तब वो जानवर आखिर में मर जाता है। इसलिए अडैप्टेशन बहुत ही ज़रूरी है कि हर जानवर, हर प्राणी को अपने रीजन में ही पर्टिकुलर कंडीशंस के हिसाब से बदलना होगा। अडैप्टेशन इन एनिमल्स बाय हैबिटेट, जो जानवर होते हैं उन लोगों के हैबिटेट के हिसाब से कैसा अडैप्टेशन होना चाहिए। वी नो दैट द नेचुरल सराउंडिंग्स वेयर एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इज हैबिटेट। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो नेचुरल सराउंडिंग्स है जहाँ पे एक जानवर रहता है उसको उसका हैबिटेट कहते हैं, जैसे कि पोलर बियर का पोलर रीजन हैबिटेट है, फिश का ओशियन हैबिटेट है, इसी तरह बहुत सारे जानवरों का एक हैबिटेट है। देयर आर मिलियंस ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ एंड दे कैन बी फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। तो जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसमें मिलियंस ऑफ जानवर पाए जाते हैं। वो लोग कहीं भी रह सकते हैं जहाँ वो लोग अडाप्ट कर सके, कोई भी जगह जहाँ अर्थ, जहाँ पे वो पैदा हुए हो अर्थ में, वो लोग कोई सा भी जगह में जाके अडाप्ट करके रह सकते हैं। ईच ऑफ दीज एनिमल्स हैव फीचर्स टू सूट देयर एनवायरमेंट एंड हैबिटेट। हर एक जानवर में फीचर्स होते हैं कि वो लोग अपने पर्यावरण से सूट कर पाए, मतलब कि अपने एनवायरमेंट से मिल सके और हैबिटेट बना सके। डिफरेंट एनिमल्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडैप्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट। अलग अलग प्रकार के जानवर अलग अलग तरीके के अडैप्टेशन को अपने एनवायरमेंट के हिसाब से शो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फूड हैबिट्स एंड नीड फॉर प्रोटेक्शन, उन लोगों के फूड हैबिट्स भी अलग अलग होते हैं और प्रोटेक्शन करने का तरीका भी अलग होता है। जिन्होंने अडैप्ट जो किया है वो लोग उसी तरह का बिहेवियर शो करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट वी कैन क्लासीफाई द एनिमल्स एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, अर्बोरियल एनिमल्स एंड एरियल एनिमल्स। उन लोगों के हैबिटेट के हिसाब से हम लोग एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, एक्वेटिक एनिमल्स में, एम्फीबियंस में, अर्बोरियल एनिमल्स में और एरियल एनिमल्स में। तो चलिए एक एक करके इन लोगों, इन सब के बारे में जानते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव ओनली ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो जानवर सिर्फ जमीन पे रहते हैं, सिर्फ जमीन, वही लोग को टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स लाइक डॉग, लायन, कैमल एंड हॉर्स आर ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जानवर जैसे डॉग हो गया, लायन, कैमल और हॉर्स है, ये सब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ जमीन यानी लैंड पे रहते हैं। दीज एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू वॉक अराउंड एंड दे कैन रन फास्ट। ये जो जानवर है, लोगों के पास बहुत मजबूत पैर होता है ताकि वो लोग लैंड पे चल सके और तेजी से दौड़ सके। दे कैन सेंस देयर एनवायरमेंट थ्रू देयर वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम। वो अपने एनवायरमेंट, अपने पर्यावरण को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए अपने
बहुत ही डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम के हिसाब से वो लोग अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। जैसे अगर डॉग्स को भी देख लिया जाए, अगर कोई थोड़ा सा पैर भी हिलाता है तो उन लोगों को पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से सेंस कर चुके हैं। लेट अस रीड अबाउट द अडैप्टेशन इन सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो चलिए कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अडैप्टेशन के बारे में जानते हैं। अडैप्टेशन शोन बाय कैमल्स। कैमल्स का अडैप्टेशन कैसा होता है? कैमल्स लिव इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स। अभी मैंने बताया था कि कैमल्स का अडैप्टेटिव नेचर, उन लोगों का हैबिटेट हॉट और ड्राई डेजर्ट्स होता है। दे हैव हम्प्स टू स्टोर फैट विच हेल्प देम टू स्टे विदाउट फूड एंड वाटर फॉर सेवरल डेज। उन लोगों के अंदर हम्प्स होते हैं जहाँ पे अपना जो फैट होता है उन सबको स्टोर करते हैं, ताकि वो लोग ज़्यादा खाना भी ना खाए और कोई बहुत दिनों तक बिना खाने पानी के रह सके। उन लोगों जो हम्प अपने फैट से स्टोर करते हैं उन सबको ही यूज करके इतना दिन गुजारते हैं। द थिक एंड लेस हेयरी स्किन ऑफ अ कैमल प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द हीट। तो जो कैमल होते हैं उन लोगों के पास बहुत मोटा और कम हेयरी स्किन होता है, जिससे वो लोग गर्मी से अपने त्वचा को बचा सके। कैमल्स हैव पैडेड फीट एंड लॉन्ग लेग्स टू हेल्प देम वॉक कंफर्टेबल इन हॉट सैंड। जो कैमल्स का पैर होता है, जो फीट होता है, वो पैडेड होता है, जिससे वो लोग बहुत अच्छी तरह से उन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स के सैंड पे अच्छे से चल पाते हैं। दे हैव लॉन्ग आई लैशेज टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम सैंड स्टॉर्म। उन लोगों के आँख यानी उन लोग जो आई लैश होते हैं वो लोग बहुत ही लंबे होते हैं, ताकि जो सैंड स्टॉर्म जो हर बार ड्राई डेजर्ट, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट में पाया जाता है, आता है, उन सब से उन सब की प्रोटेक्शन हो सके। अडैप्टेशन शोन बाय पोलर बियर। एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन्स एंड आर्कटिक फॉक्सेस लिव इन कोल्ड रीजन्स। दे हैव थिक फर ऑन देयर बॉडीज टू कीप देम वार्म। दे स्टोर फैट अंडर द स्किन टू बी यूज ड्यूरिंग विंटर्स। दिस थिक लेयर ऑफ अंडर स्किन फैट इज कॉल्ड ब्लबर। जानवर जैसे पोलर बियर, पेंगुइन, जो आर्कटिक फॉक्स होते हैं, जो कि ठंडे जगह पे रहते हैं, कोल्ड रीजन पे रहते हैं, उन लोगों के स्किन पे थिक मोटा फर होता है, जो उन लोगों को गर्मी देने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। उन लोगों का जो फैट होता है वो लोग अपने स्किन के नीचे उन लोग स्टोर करते हैं। जैसे कि कैमल्स हम्प में स्टोर करते हैं, वैसे ही पोलर बियर, पेंगुइन, आर्कटिक फॉक्सेस, ये सब जो फैट है वो स्किन के अंडर, स्किन के पास स्टोर करते हैं, ताकि उन लोग विंटर्स में उन सबको यूज़ कर पाएं। और जो थिक लेयर जो उनका स्किन फैट से बनता है उसको ब्लबर कहते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज कॉल्ड ब्लबर? आंसर होगा द थिक लेयर ऑफ अंडर स्किन फैट फाउंड इन पोलर बियर्स, पेंगुइन्स एंड आर्कटिक फॉक्सेस दैट लिव इन कोल्ड रीजन्स इज कॉल्ड ब्लबर। अडैप्टेशन शोन बाय स्नेक। सांप कैसे अपना अडैप्टेशन दिखाता है? स्नेक डज नॉट हैव लेग्स, आर्म्स और ईयर्स। जो सांप होते हैं उन लोगों के पास हाथ, पैर, कान नहीं होता। इट क्रॉल्स थ्रू ग्रास और रॉक्स विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस विच माइट फ्राइटन इट्स प्रे। जो सांप होता है, आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस तो किया ही होगा कि जो सांप होता है, जो स्नेक होता है, वो लोग अगर बगल से भी पास कर जाए तो पता नहीं चलता है, जो कि अपने शिकार को डराने के बहुत ही अच्छे तरह से हेल्प करते हैं। इट कैन एंटर नैरो होल्स इन द ग्राउंड दैट आर मेड बाय रैट्स। जो रैट्स होते हैं वो सैंड या ग्राउंड में बहुत ही होल्स बना के रखते हैं, और जो सांप होता है वो आसानी से उसमें घुस जाता है। टू फाइंड एंड हंट देम, ताकि वो अपना भूख मिटा सके, उन चूहों को खोज कर खा सके। Do you know snakes and squirrels become inactive and sleep during the cold weather to protect themselves from cold? This is called winter sleep or hibernation. हम लोगों ने देखा है कि गर्मी के समय में सांप और ये squirrels, ये लोग कभी दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो लोग hibernation में चल जाते हैं, ताकि जो कोल्ड वेदर है उनसे वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए हम लोग को विंटर में स्नेक्स एंड स्क्वेरल्स बाहर नहीं दिखाई देते हैं। Aquatic animals. Animals that live in water are called aquatic animals. जो animals जो पानी में रहते हैं उन लोगों को aquatic animals कहते हैं। जो सिर्फ पानी में रहते हैं उन्हीं को aquatic animals कहते हैं। जैसे fish,
sea snails, turtles, etc. are aquatic animals. They have various features that help them to live in water, like उन लोगों के पास बहुत फीचर्स होते हैं जो कि उन लोगों को पानी में रहने में हेल्प करते हैं, जैसे कि फिन्स एंड वाटर प्रूफ स्किन. जो उन लोगों का फिश का फिन्स होता है वो बहुत ही हेल्प करता है फिश को पानी के अंदर रहने के लिए, और वाटर प्रूफ स्किन भी. अ बोट शेप स्ट्रीमलाइन बॉडी विच हेल्प देम इन स्विमिंग. उन लोगों का बॉडी बोट शेप का होता है, वो भी बहुत स्ट्रीमलाइंड होता है, जो कि उन लोगों को तैरने में बहुत हेल्प करता है. Fish have gills to breathe inside the water, the exception of aquatic animals like dolphins which breathe through lungs. जो fish है उन लोगों के पास gills होता है ताकि वो लोग पानी के अंदर सांस ले सके, लेकिन dolphins जो है वो लोग lungs से breathe करते हैं, इसीलिए उन लोगों के लिए exceptions है, यानी कि वो लोग gills से breathe नहीं करते. Fins or limbs that help them to swim in water. जो फिन होता है फिश का और लिम्स होता है उन लोगों को वाटर में तैरने में बहुत हेल्प करता है. एक्वेटिक बर्ड्स लाइक डक एंड गीज हैव वेब्ड फीट देयर व्हिच सर्व एज पैडल्स एंड हेल्प देम टू पुश वाटर बैक एंड मूव फॉरवर्ड व्हाइल स्विमिंग. जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं जैसे कि डक गीज, उन लोगों के पास जो फीट होता है वो वेब्ड होता है, जो कि पैडल्स जो होते हैं ना उन वही उन लोगों को तैरने में बहुत मदद करते हैं. वो पानी को पीछे करके आगे बढ़ने में बहुत ही काबिल होते हैं. एम्फीबियंस, द एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस. जो एनिमल्स दोनों जमीन और पानी में रह सकते हैं उनको एम्फीबियंस कहते हैं. जैसे कि फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलामैंडर्स आर सम एग्जांपल ऑफ दीज एनिमल्स. वो लोग जमीन पर और पानी में दोनों में रहते हैं. बहुत ही कॉमन एग्जांपल है फ्रॉग. दीज एनिमल्स हैव मॉइस्ट स्किन. जो ये सब जो जानवर होते हैं जो दोनों लैंड वाटर में रहते हैं उन लोगों का स्किन बहुत ही मॉइस्ट होता है. दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन व्हेन इन वाटर. जब वो लोग पानी में रहते हैं तो अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं, और जब वो लोग लैंड में होते हैं तब वो लोग लंग्स का यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए. व्हेन ऑन लैंड दे जंप अराउंड ऑन देयर स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड व्हेन इन वाटर दे स्विम थ्रू द हेल्प ऑफ वेब्ड फीट. जब वो लोग जमीन पे होते हैं वो लोग जंप यानी कूदते हैं ताकि वो लोग आगे जा सके, और पानी में जब रहते हैं तब वो लोग तैरते हैं अपने वेब्ड फीट के हेल्प से. अर्बोरियल एनिमल्स, सम एनिमल्स लाइक मंकीज, स्क्विरल्स एंड गार्डन लिजार्ड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल्स. जो एनिमल्स पेड़ों पे रहते हैं जैसे बंदर, स्क्विरल, छिपकली, गार्डन का जो लिजार्ड्स होते हैं वो सब हमेशा ट्रीज पे रहते हैं, उन सब को ही अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं. देयर स्पेशल फीचर्स हेल्प देम टू लिव ऑन ट्रीज. उन लोगों के पास स्पेशल फीचर होते हैं जो कि उन लोगों को मदद करते हैं पेड़ पर रहने के लिए. मंकीज क्लाइंब फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर. जो बंदर होते हैं उन लोगों को तो आपने देखा ही होगा, वो लोग एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाते हैं. फॉर दिस दे यूज देयर स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड स्ट्रॉन्ग टेल्स. इनको जाने के लिए वो अपने मजबूत हाथ और लंबे लंबे पूंछ की मदद लेते हैं. अर्बोरियल एनिमल्स हैव शार्प क्लॉज एंड ब्रॉड हिप गर्डल्स दैट सपोर्ट देम ड्यूरिंग क्लाइंबिंग. जो अर्बोरियल एनिमल्स होते हैं उन लोगों के पास बहुत ही शार्प क्लॉज, नुकीला हाथ का क्लॉज होता है, और ब्रॉड हिप गर्डल्स होते हैं जो कि उन लोगों को सपोर्ट करता है वहां लटकने के लिए, क्लाइंब करने के लिए. एरियल एनिमल्स, द एनिमल्स दैट फ्लाई एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स. जो जानवर हमेशा उड़ते रहते हैं और अपना ज्यादातर टाइम उड़ने में ही, हवे में रहने के लिए ही यूज करते हैं उनको एरियल एनिमल्स कहते हैं. बर्ड्स एंड सर्टेन इंसेक्ट्स आर एरियल एनिमल्स. जो बर्ड्स होते हैं और जो बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं वो लोग एरियल एनिमल्स होते हैं. दे हैव विंग्स टू फ्लाई एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी टू कट थ्रू द एयर. उन लोगों के पास पंख होता है उड़ने के लिए, और जो बॉडी होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है ताकि वो लोग एयर के से कट कर सके. दे हैव लाइट एंड हॉलो बोन्स. उन लोगों का जो हड्डी होता है बहुत ही हल्का और बहुत ही नाजुक होता है. अडेप्टेशन फॉर फूड.
Animals eat plants and other animals. On the basis of their feeding habits, we can classify them as herbivores, carnivores and omnivores. खाने का जो adaptation होता है हर जानवर में अलग अलग पाया जाता है, इसीलिए उनके feeding habits को देखते हुए हम लोग animals को classify कर सकते हैं herbivore, carnivore और omnivore में. Herbivores, animals that eat plant and plant products आर कॉल्ड हर्बीवोरस. काउ, गोट, जिराफ एक्सेट्रा आर हर्बीवोरस. जो जानवर सिर्फ प्लांट खाते या फिर उनका प्रोडक्ट्स खाते हैं, जो पत्ता होता है वो सब खाते हैं, उन लोगों को हर्बीवोरस बोलते हैं. दे पजेस द फॉलोइंग अडेप्टेशन. शार्प कटिंग टीथ एट फ्रंट एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक. उन लोगों के पास फीचर होते हैं जो कि उन लोगों को हर्बीवोरस बनाते हैं. सामने की तरफ शार्प टीथ होते हैं काटने के लिए और पीछे की तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं उसको मिलाने के लिए. लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स एज दे हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड. उन लोगों के पास बहुत ही लंबे और स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जो कि उन लोगों को लंबे लंबे रास्ते तय करने में बहुत मदद करता है खाने की खोज के लिए. कार्निवोरस एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. जो एनिमल्स दूसरे जानवर के फ्लैश को खाते हैं उनको कार्निवोरस कहते हैं. जैसे कि लायन, टाइगर एंड शार्क्स आर कार्निवोरस. उन लोगों के पास भी कुछ फीचर्स होते हैं. लॉन्ग शार्प टीथ फॉर टीयरिंग फ्लैश. उन लोगों का जो दांत होता है वो लंबा लंबा होता है ताकि वो लोग फ्लैश को टीयर कर सके, मतलब काट सके. वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट टू कैच देयर प्रे. उन लोगों के पास बहुत ही मजबूत पैर होते हैं ताकि वो लोग तेजी से दौड़ के अपने शिकार को पकड़ सके, जकड़ सके. कार्निवोरस बर्ड्स लाइक ईगल्स हैव शार्प बीक्स एंड क्लॉज टू कैच देयर प्रे. जो कार्निवोरस बर्ड्स होते हैं जैसे कि ईगल, उन लोगों के पास बहुत ही शार्प नुकीले बीक्स होते हैं और पंजा होता है ताकि वो लोग अपने शिकार को पकड़ सके. शार्क्स हैव जॉज विथ शार्प टीथ टू फैटली वुंड इट्स प्रे. जो शार्क होते हैं उन लोगों के पास बहुत ही नुकीला दांत होता है जिससे कि वो लोग अपने शिकार को अच्छी तरह से पकड़ सके. केयर एंड कंसर्न फॉर एनिमल्स. एनिमल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. एनिमल्स एंड बर्ड्स हेल्प इन सीड डिस्पर्सल टू डिस्टेंट प्लेसेज विच देन जर्मिनेट इन टू न्यू प्लांट्स. जो एनिमल्स होते हैं वो लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. उन लोगों के पास जो होता है वो लोग सीड डिस्पर्स करने के लिए डिस्टेंट प्लेस विच देन जर्मिनेट इन टू न्यू प्लांट. जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं वो इधर का सीड उधर करने के लिए और उसको आपको जर्मिनेट करते हैं नए नए प्लांट्स को, उसमें वो लोग बहुत हेल्पफुल हैं. हर्बीवोरस एनिमल्स ईट प्लांट विच इन टर्न आर ईटन बाय कार्निवोरस. हर्बीवोरस जो होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं और कार्निवोरस हर्बीवोरस को खा जाते हैं. दे ब्रिंग बैलेंस इन नेचर. वो लोग नेचर के बैलेंस को बनाए रखते हैं. दस एब्सेंस ऑफ एनी लिविंग बींग में कॉज इम्बैलेंस इन नेचर. अगर हर्बीवोरस कार्निवोरस में से कोई भी एक ना हो तो नेचर जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है. Therefore, we should take care of animals and plants. इसीलिए हम लोग को एनिमल्स और प्लांट्स का अच्छी तरह देखभाल करना चाहिए. एनिमल्स कैन बी प्रोटेक्टेड इन द फॉलोइंग वेज. एनिमल्स को हम लोग किस तरह बचा सकते हैं. वी शुड स्टॉप कटिंग डाउन फॉरेस्ट एज ट्रीज आर होम टू मैनी एनिमल्स. हम लोग पेड़ को काटना रोक सकते हैं जो कि एनिमल्स का घर होता है. वी शुड नॉट किल एनिमल्स फॉर देयर स्किन एंड अदर बॉडी पार्ट्स. हम लोगों को एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए बस उनके स्किन और अदर बॉडी पार्ट्स के लिए. एनिमल्स शुड नॉट बी किल्ड और कैप्चर्ड फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज. कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए उन सबको मारना या कैप्चर करना जरूरी नहीं है, इसलिए वो भी नहीं करना चाहिए. एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस. जो एनिमल्स होते हैं बहुत ही यूजफुल होते हैं हम लोग के लिए. वी मस्ट बी काइंड एंड जेंटल टूअर्ड्स देम. हम लोग को हमेशा उन लोग के प्रति बहुत ही काइंड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए. वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ देम. हम लोग को हमेशा उन लोगों का अच्छा केयर करना चाहिए. दिस कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज. वी शुड नॉट टीज देम. हम लोग को उन सबको परेशान नहीं करना चाहिए. वी मस्ट गिव फूड, गुड फूड, क्लीन वाटर एज वेल एज सेफ एंड क्लीन.